हाय गाइस, हैशटैग लव योगा में आपका स्वागत है। इस योगा सीरीज में आज आपकी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ही मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों की बहुत टाइम से कंप्लेंट आई थी, गर्ल्स स्पेशली मुझे मेल करती थी कि उनके पीरियड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इरेगुलर रहते हैं, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, जिससे कि उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कभी 3 डेज आते हैं, कभी 1 मंथ अबव हो जाता है, बहुत इरेगुलरिटी रहती है, साथ साथ पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो पेन के लिए मैं योगा आपको बाद में बताऊंगी, अभी जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो इरेगुलर पीरियड्स है। अगर आप ये योगासन फॉलो करेंगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए मुझे फॉलो करिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में छोटा बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और मेरी सीरीज के साथ बने रहने के लिए नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करेगा, क्योंकि मैं आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड हर समस्या के लिए आपको योगा बताने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, बने रहिएगा मेरे साथ। और हैशटैग लव योगा आपको कैसा लगा वो भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट आसन। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट योग आसन है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बद्ध कोण आसन, बहुत आसान भी है। आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करना है, इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए पंजों को, पूरे पैर को, और अपने लेग्स को आपको ये करना है, शेक करना है। इससे क्या होगा, आप जितना पहले थोड़ा सा डिस्टेंस पे करिए और जितना पास लेकर आएंगे तो उतनी आपकी पेल्विक मसल ज्वाइंट होगी, उस पर इफेक्ट आएगा और वहाँ की जो इरेगुलरिटी है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी, आपके पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा ज्वाइंट रखिए, पास में रखिए, तो उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। कम से कम इसको 3 से 4 सेकंड जरूर करिए और 2 बार रिपीटेशन जरूर करिए। यहाँ पे आपका पहला आसन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड आसन की ओर, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको छाती के बल लेट जाना है, गहरा लंबा सांस लेना है और अपने आप को ऊपर उठाना है और नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। आराम से नीचे आइएगा, एक बार और रिपीट करके दिखाती हूँ आपको, भी कम से कम 2 से 3 दफा इसको रिपीट करना ही करना है। गहरा लंबा सांस लीजिए, ऊपर चलिए, रिलैक्स हो जाइए, लेफ्ट करवट लेते हुए उठ जाइए। नेक्स्ट आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन, तो चलिए मुझे फॉलो करिए। इसके लिए आप पैर अपने बिल्कुल सीधे कर लीजिए, अपने पंजों को अपने हाथ से खींचने का ट्राई करना है, लेकिन बाजू हमें पूरी घुमा के राउंड इस तरीके से आगे लेकर आना है, कानों के पास से होते हुए इसको जितना हो सके अपनी तरफ खींचिए। पोजिशन होल्ड करिए 3 से 4 सेकेंड, सांस खींच के हमें आगे जाना है और वापस हमें सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। रिलैक्स हो जाइए, दोबारा से करके दिखाती हूँ आपको, सांस खींचनी है अंदर की तरफ, सांस छोड़िए, 3 से 4 बार इसको रिपीट करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है हल आसन। हल आसन के लिए आप सीधा लेट जाइए, अपने पैरों को ऊपर उठाइए, पीछे जितना हो सके उतना टच करने का ट्राई करिए, नहीं हो पाता तो उतना ही छोड़ दीजिए। आराम से नीचे आ जाइए इस पोजीशन में, आपको इसको भी 3 से 4 दफा करना है, जब ऊपर लेके जाएंगे सांस खींचनी है, जब वापस आएंगे तो सांस छोड़नी है। अगर आप इस पोजीशन में पूरे पीछे नहीं जा रहे तो जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं उतना जाइए और उसके बाद आराम से वापस आ जाइए। योग आसन करना है लेकिन करेक्ट पोस्चर के चक्कर में, पूरा पोजीशन लेने के चक्कर में कहीं आपके और पेन हो सकता है, तो उसे बेटर जितना आपसे बेटर हो सके उतना बेटर करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आसन की बारी आती है, जिसका नाम है धनुरासन, तो चलिए मुझे फॉलो करिए। आपको छाती के बल इसको लेट जाना है, अपने पैरों को यहाँ से ग्रिप करनी है, अपनी बॉडी को आगे लिफ्ट करने का ट्राई करना है सांस खींचते हुए, गहरा लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगेन आपको अपना सांस खींचना है, दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। रिलैक्स हो जाइए, बाएं करवट लेते हुए उठ जाइए।
अगर आप ये सारे आसन करेंगे तो आपके पीरियड्स जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये हैशटैग लव योगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, गर्ल्स से रिलेटेड, बॉयज, आपकी पूरी बॉडी, हर चीज के सॉल्यूशन में लेकर आऊंगी इस पूरी सीरीज में। तो सीरीज के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां जहां हो सके इस अच्छी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा इंसान करके अपनी लाइफ को और अच्छा और सुहाना बना सकता है। पैसे के पीछे भागिए, हर चीज के पीछे भागिए, लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, डेली हेल्दी डाइट लीजिए, डाइट प्लान अपना कभी मिस मत करिए और अपने डेली रूटीन में योग आसन को जरूर शामिल करिए। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके प्यारे कमेंट का वेट करूंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए ईशा मेहरा 89 फॉलो करिए, फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, उसको फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए जोश के साथ, नए योग आसन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।